जय श्री माता जी। आज उपस्थित सभी विश्व के सभी सहयोगियों भाई बहनों को आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। श्री माता जी को प्रणाम करके हम सामूहिक बंधन लेते हैं। इसी अवस्था को बनाए रखते हुए अब हम तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करते हैं। Thank you.
दोनों हथेली और तालू में संतुलन अवस्था की ओर देखना है। राइट हैंड तालू के ऊपर रखते हुए सहस्रार खुलने का अनुभव देखिए। राइट हैंड गोद में रखते हुए लेफ्ट हैंड से भी ये अनुभव चेक करें। लेफ्ट हैंड तालू के 2 इंच ऊपर सहस्रार चक्र की अनुभूति और हथेली में बहने वाला चैतन्य को देखिए। धीरे से हाथ नीचे ले। इसी अवस्था में अब हम कुछ क्षण ध्यान में बैठते हैं।
इसी अवस्था में अब हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। रहने वाली इस तरह की सौगात लेकर कैसे आ, इस सौगात का नाम है सहज मोक्ष। पहले कि हम ये जाने कि सहज क्या चीज है, ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। सैल्वेशन किसे कहते हैं, हम इस संसार में किसियां, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य विशेष रूप से क्यों बनाया गया, परमेश्वर ने एक विशेष कलाकृति से इस सुंदर जीव को क्यों इतनी सारी शक्तियां दी, ये समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपका सारा अस्तित्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपको अत्यंत आनंद में डुबोने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी मेहनत से सृष्टि की। अब आप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये कहेंगे कि माता जी परमात्मा कहाँ है, हम तो उस पर भी नहीं पा, एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ता है कभी। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत आसानी समझ आती है अगर आप साइंस सीख रहे हो। साइंस से ही अब सिद्धता हो गई है कि परमात्मा है। आप किसी केमिस्ट्री वाले आदमी से जाकर पूछिए कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने एक के बाद एक बनाया है और उनको 8 दर्जों में कितनी व्यवस्थित रूप से बांट, ये कोई चीज बगैर सोचे समझे किसी प्लानिंग के हो सकती है। आप जब किसी फिजिसिस्ट के पास जाए और उनसे ये कहने को कि क्या ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इतनी जोर की गति से घूमने वाली इस चीज किस चीज ने ऐसा बना दिया है कि इस पर आज ही और आराम से बैठे, ये कौन सी चीज है। इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई जरा ज्यादा मास हो जाए तो ये पृथ्वी जामा डॉल हो सकती है, पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से जामा डॉल हो सकते हैं। इसका सारा चालन इतनी सुव्यवस्था से, सूर्य से हमारा अंतर का रखना, पूरी ही व्यवस्था इतनी कमाल की है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर जादूगर है। फिर आप अपनी ही ओर देख कर कह सकते हैं कि इस हृदय की चालना करने वाले, इस हृदय को चलाने वाले कौन है, उसको आप सिद्धि नाम, प्रकृति नाम दीजिए, नेचर नाम दीजिए, उसको आप परमात्मा कहें अपनी भाषा में, आप उसे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि अपने यहां अंदर में कोई ऐसा विश्वव्यापी आत्मा है जिसको वो अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, कि जो कुछ अजीब सी बातें हमारे लिए करता है, हमें संतुलन लाता है, हमें संभालता है, हमें स्वप्न में आकर के बचाता है, वो भी इस बात को कहने लगे। जिस कदार से आज मनुष्यता पहुंच गई है वो इतना जरूर समझ गई कि बीच में कुछ खाई जरूर है। जब तक खाई दिखाई नहीं देती, खाई तक ले जाना जरूरी होता है। उस सृष्टि ने, उस प्रकृति ने, उस परमात्मा की शक्ति ने ये सारी सृष्टि बड़ी सुंदरता से रखी। उसने तीन शक्तियों को उपयोग में लाया। एक शक्ति से तो वो स्थित है जिससे वो अपनी शक्ति की चालना, अपने
शक्ति का कार्यक्रम, उसका खेल देखते हैं, और नहीं पसंद आता है तो संहार भी कर देते हैं। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई और खत्म हुई। दूसरी शक्ति एक देखने की, जिसमें से साक्षी स्वरूप तक चली हुई, जिसको कि बहुत से लोग डिस्ट्रॉइंग शक्ति कहते हैं। और दूसरी जो कि सृजन करती है बड़े बड़े ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य, तारकाओं की मालाएं, पृथ्वी जैसी सुंदर चीज, इस सृजन शक्ति को क्रिएटिव पावर आप कह सकते हैं। इसको भी परमात्मा ही करते। एक सल्फर डाइऑक्साइड का आप अगर एक छोटा सा परमाणु मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक सल्फर के अंदर से कैसा अनुकंपन वाइब्रेशन आ रहा है। हालांकि वो बिजली जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन उसको कौन वहां चला रहा है? उस एक छोटे से परमाणु में उस चीज को कौन चला रहा है? उस अणुरेणु में कौन कंपित है? अगर मैं यहां बोलूं नहीं तो आपके पास कोई आवाज नहीं आने वाली। उस छोटे से अणु परमाणु में वही शक्ति काम कर रही है जिसने सारी सृष्टि की सृजन की है, और जो सोचती है और समझती है और सब चीज से अनुशासित है। आप चाहे विश्वास करें या न करें, तीसरी शक्ति परमात्मा ने जो इस्तेमाल की है, जिसे बहुत ही खूबी से काम में लाया हुआ है, वो उत्क्रांति की शक्ति है, रेवलेशन की शक्ति है। जिस शक्ति के कारण धीरे धीरे मनुष्य इस दशा में आ गया, इस चेतनामय दशा में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में जो शक्ति स्थित है वो नहीं जानती कि मेरे अंदर कोई शक्ति भी स्थित है। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं कहां खड़ा हूं, कि मेरी क्या एटॉमिक स्थिति है। वो कुछ नहीं, वो बस सिर्फ स्थित है, जहां तहां जमे हुए, पूरी तरह से अनुशासित। उसके बाद जो उनकी तीसरी शक्ति है, उसी में जीवन का स्पंदन शुरू हुआ। उसी शक्ति के वजह से जीवन का स्पंदन शुरू होने के बाद मनुष्य में उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। मैं कहूंगी कि पहले तो प्राणी मात्र में ही हुआ, उससे भी पहले आप जैसे जानते वनस्पति में हुआ, और आज मनुष्य में भी उस उत्क्रांति की आखिरी दशा आ गई। आप अगर किसी बंदर का सर देखें तो वो यहां से आधा कटा हुआ नजर आता है। ये सर हमारा बढ़ने की जरूरत थी, जो आगे का है, जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे हम अपना अहंकार चलाते हैं। ये भी परमात्मा ने दी हुई चीज है, इसे जूझने की कोई जरूरत नहीं, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये हिस्सा भी हमारा इतना आगे आना चाहिए था। हमारा शरीर का जीवन यंत्र भी इतना पूरा तैयार होने का था, इसीलिए ये कार्य हुआ। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप तैयार। इसका वर्णन हमारे किताबों में, ग्रंथ शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषियों में और भी धर्मों में हर एक से किया गया है। उसका पढ़ना बहुतों से हुआ नहीं, बहुतों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका साक्षात होने की आज घड़ी आ गई। इस प्रकार हमारे अंदर जो थ्री डायमेंशन शास्त्र थे,
आयाम पर जो हम चल रहे थे, उस तीन आयाम से अब चौथे आयाम से उतरने का समय आ गया है। और उस चौथे आयाम की बात बहुत दिनों से चल रही है। इतना ही नहीं कि इसकी बात चली है, लेकिन उसका इशारा भी हमारे दिमाग में है। ये हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमसे भी परे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। इंस्टिंक्ट के नए खोज से सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और हैरान हो गए कि आज तक जिस चीज को हम इतना प्रमाण और सत्य समझ बैठे थे वो बात सही नहीं है, चीज कुछ और निकल। इस सब शक्ति का सूत्र वही चौथा आयाम है, फोर्थ डायमेंशन। जिस सूत्र से ये सारी ही शक्तियां चलती हैं, जो ये तीन शक्तियों से परे, त्रिगुणों से परे, विचारों से परे अपने अंदर बह रहा है, उस सूत्र से एकाकार होना, उससे आइडेंटिफाइड होना, यही मोक्ष, यही मोक्ष का रास्ता है। जहां आप निर्विचार में जाग जाते हैं, सोते नहीं हैं, ट्रांस की बात में नहीं करते, वो तो एक मायावी खेल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। मैं तो आपके होश में जागते हुए इस चीज को जानने की बात कर रही हूं, क्योंकि जानवरों का जो कुछ भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, जब वो इंसान बने हैं तो उन्हें कोई होश नहीं था, वो अपने होश में कोई उन्होंने उत्क्रांति नहीं पाई क्योंकि वो अनुशासित। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के बाद उसने अपना रास्ता खोजा और अपने इस हिस्से को बढ़ाया है जहां से कि सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, आगे की बात देखी जाती है। जब आप संपूर्णता पे ये यंत्र तैयार हुआ है तभी ये प्रकाश जागृत होने वाला है। जैसे कि आपने दीप संजो के रस में उसमें बात लगा दी, तेल डाल दिया है, तीनों डायमेंशन तैयार है, अब सिर्फ उसमें बात डालने की बात है, उसको किसी तरह से दीप जलाने की बात है। एक जगा हुआ दीप इसे जगा सकता है, लेकिन बगैर जगाया हुआ दीप इसको जगा नहीं सकता और सहज में ही जगा। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा यह है कि जिस सूत्र के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि का रचनात्मक कार्य हो और जिसके द्वारा हम भी तैयार हों, उस शक्ति में डूब जाना, उस शक्ति में एकाकार होना, उसी वक्त ये शक्तियां अपने अंदर से झटक झटक बहने लग जाती है, जैसे कि सूर्य के अंदर से प्रकाश होता है। लेकिन इस सोच विचार में और इस कूद फान में मनुष्य बड़ी गलतियां कर देता है। मैं और गलतियों की बात नहीं करूंगी जो अनैतिक है, लेकिन धार्मिकता में भी बड़ी गलतियां हो गई, बहुत गलतियां हो गई हैं। सभी माफ हो सकती हैं क्योंकि अज्ञान में बालक कुछ भी कर दे, किंतु प्रेम ऐसी परम शक्ति है कि वो सभी गलतियों को माफ करके उस परम चीज को दान कर सकती। इसी प्रेम की शक्ति ने ही सारा संसार रचा है, उसी प्रेम ने आपको बनाया है और आज
आंख के अंदर बसा हुआ प्रेम जाग उठता है, इसे सारा संसार प्रेममय हो सकता है। भारत भूमि एक बहुत बड़ी योग भूमि है, उसे आज आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो अभी पहचान नहीं आई। जब आपके अंदर से वो चीज झकझक झकझक बहने लग जाएगी, तब आप जान सकेंगे कि इस धरती से जो ये झकझक चीज आती है, ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं आती है। किंतु जैसे कीचड़ में कमल खिले हों, ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए। कीचड़ बढ़ रहा है, कमल कम हो रहे हैं। कमल की सुगंध कब इतनी होगी कि जब ये कीचड़ की सुगंध को मार। अगर आपकी तैयारी है तो आपके लिए कमल खिलने का समय आ गया। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करें, इसीलिए दूसरी बात कि सह माने वृक्ष, साथ ज माने जन्मे बॉन्ड। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है। आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है, इससे अपने ही आप सारा आप काम है। इसके साथ क्या करने का है, उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं माँ है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है, और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त करे। जैसे कि मेरे सामने एक मशीन है, आज आप जानते हैं कि इसको पहले खूब अच्छे से तैयार किया गया और तब मेरे सामने लाया गया है, और इसमें से मेरी आवाज आपके पास आ गई। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग सहज नहीं हैं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी, मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसने फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप, दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है, ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उसे आपस हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिथ्या रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं, और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं, आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामूर्ति हूँ आगे।
लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ कि आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। वो तो माता जी बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं है, उसके लिए तो ये करना होगा, इसके लिए वो करना होगा, हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काय की शुद्धि कर रहे हैं, हम तो माँ हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानते, विद्वानों की कोई माँ नहीं थी, कुछ नहीं, वो सबसे बड़े होते, इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी माँ भी कोई नहीं होती। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं है, एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है, उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूं। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझने हमारे सामने आती है, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने के लिए तैयार। उदाहरण के लिए जैसे मैं अमेरिका गई, अब देखिए विद्वानों की बात है, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे विद्वान लोग बातें करते हैं। मुझसे कहने लगे कि माता जी आप ये जो कर रही हैं इसका कुछ रुपया आपको चार्ज करना चाहिए, कुछ फीस लगानी चाहिए, क्योंकि तो फला फला आए थे वो $275 लेते हैं और आप मुफ्त में बांट रहे हैं तो लोगों को इसकी कोई कीमत नहीं, जो इनको डंडे मार के देगा उसी से। मैंने कहा क्या महामूर्ख है, इनसे कैसी बात की। मैंने कहा भाई तुम मेरे प्यार की जो कीमत लगाना चाहो लगाओ, कितना दे सकते। अब जब तुम अपने माँ के प्यार की भी कीमत लगाने को गए थे, यानी इस महामूर्खता को क्या कहा जाए कि वो परमात्मा को भी सोचते हैं पैसे से कमा सकते। मनुष्य को इतना अहंकार इस पैसों से हो गया है कि वो सोचता है कि परमात्मा को भी कमा सकता है। वही हाल हमारे मंदिरों में हो गया है, मस्जिदों में हो गया है, चर्चों में हो गया है, यहां जाइए वही वे धर्म की दशा हो गई है। इसका क्या ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें कौन सी विद्वत्ता है, मुझे बताइए आप। कि आप मंदिरों में कहते हैं कि भाई चलो मेरा 101 रुपए चढ़ावा ले लो और मुझे मुक्ति दो, आप पैसों से परमिट खरीद रहे हो आप। भाई मैं तो बड़ा दानी आदमी हूँ माता जी, मैंने तो उस मंदिर में 1 रुपया दिया, और पता ये हुआ कि उसको जो पुजारी साहब को मैंने देखा तो पता हुआ कि महाराक्षस मथुरा में जहां पे कृष्ण बसे, जिन्होंने सारी अपनी लीलाएं की। आपको आश्चर्य होगा कि मैं मथुरा में गई तो देख के दंग हो रही कि वहां के जो पुजारी लोग हैं उनमें से जिन जिनसे मैं मिली, औरों का तो मैं नहीं कह सकती, सभी वही अनुचर है जो कंस के अनुचर थे और राक्षस रहते थे और आज सबको लूट रहे। कोई भी धार्मिक आदमी पैसे की लूट नहीं कर सकता, दूसरे के पैसे पे रहने की उसने आदत नहीं होती, उसकी दानत ही ऐसी होती है कि उसको कोई खरीद ही नहीं सकता, उसका खरीदने वाला पैदा ही नहीं हो सकता, उसको जो खरीद ले वो क्या धार्मिक होगा। मनुष्य की बुद्धि इतनी बेवकूफ है कि वो धर्म को खरीदना चाहती है, कितनी असहज बात, इम्पॉसिबिलिटी है। आप इम्पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं फिर कहेंगे कठिन है, जरूरी कठिन है, परमात्मा की ग्रेस है। कितनी असहज कल्पना है कि आप परमात्मा को पैसे देकर खरीद, लेकिन आप देखिए मैं जब से पैदा हुई हूं मैं देखती हूं कि धर्म के नाम पर सिर्फ यही धंधा चला, कोई भाषण देके पैसा कमाता है, कोई कुछ करके पैसा कमाता है, सब मोटरें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मकानात खरीद रहे हैं, इन सेवकों के परमात्मा के भक्तों के पैसों से मोटरें खरीदना। और आप लोग भी क्या, आप लोग तो इसे मानते हैं तभी लोगों को इतना बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है, ये आपका भी एक बड़ा भारी दोष। इन लोगों की मान्यता आपको बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका एक अहंकार भी उसमें पूरा होता है कि चलो 2 रुपए में हमने भगवान को खरीद लिया। वो भी आपकी कमजोरियां खूब जानते हैं, पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीद, ये बड़ी ही असहज बात है। जो जीवंत चीज है उसको आप खरीद नहीं, प्यार को खरीदने की बात करना उस प्यार का महा अपमान है और महापाप।
और इन लोगों को भी जान लेना चाहिए कि बगैर परमात्मा से अथॉरिटी लिए बगैर जो आदमी धर्म की बातें करता है और गुरु बन के बैठता है वो महापाप करता है और उसके लिए बहुत बड़ी सजा नियत है। पैसे कमा लेंगे यहां आप, रुपया कमा लेंगे यहां आप, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे आदमी को माफी नहीं मिलेगा, ये समझ लेना चाहिए। इस तरह की बात न सोचना चाहिए न करना चाहिए। ये कोई सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सबने धंधा बना लिया, धन का धंधा नहीं बना सकते। अभी मैं आपसे कह रही हूं लेकिन अभी जाते जाते जब मंदिर दिखाई देंगे तो आप 2 रुपये वहां चढ़ा के जाएंगे, ये मनुष्य की असहिष्णुता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों में परमात्मा नहीं, लेकिन वहां बैठे बिलख रहे हैं कि हे राम मुझे तो तुमने यहां दिखा दिया और ये सामने मेरे एक राक्षस बैठा हुआ सब पैसे नोच रहा है, मेरे भक्तों से नोच रहा है, वो रो रही है माँ वहां अंदर में, विकल्प ही कहा, ये दिखा दिया इस दुष्ट को, इसका ठिकाना करो, मुझसे देखा। असहज, सारी ही बातें असहज में आ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी शुद्धि करा रहे हैं। पहले तो शुद्धि होती दूसरे ही करते, पैसे दे दे करके भी बहुत से लोग शुद्धि करते नहीं है पैसे से, तो मन से हम अपनी शुद्धि करा रहे हैं। जो करने वाला है वही तो गड़बड़ है, जो करने वाला आपके अंदर है वही गड़बड़ है, उससे आप क्या करा रहे हैं। जैसे कि आपने ये तय कर लिया कि हमें शुद्धि करानी है, आप समझ लें आपकी शुद्धि नहीं है, क्योंकि शुद्धि की जिस वजह से होती है, जो धोता है उस चीज, जो उसको स्वच्छ करता है, वो पानी ही आपके पास में नहीं है, वॉटर ऑफ लाइफ इसको क्राइस्ट ने कहा था, वो वाइब्रेशन ही आपके पास में नहीं है जिससे आप शुद्धि कराएं। मैं शुद्धि के तो बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, लेकिन बेवकूफी के विरोध में हूं कि आप अपने हाथ यूं यूं घुमाए तो आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। आपके लिए वो पानी चाहिए कि जिससे आप अपनी शुद्धि करें, उसके लिए कम अज कम ये वाइब्रेशन आपके अंदर आना चाहिए, नहीं तो आप अपनी शुद्धि कर ही नहीं। ये साबुन आपके पास आना चाहिए जिससे आप अपनी शुद्धि करें। हवाई शुद्धि नहीं होती है, उसमें बड़ा अहंकार आ जाता है, लोग सोचते हैं बड़ा शुद्ध मन हूं, ये बड़ा अशुद्ध मन है। शुद्धि कराने के लिए आत्म साक्षात्कार पहले होना, जैसे अब मंत्रवाद, मैं मंत्र के विरोध में कभी भी नहीं हूं, कभी रहूंगी भी नहीं, लेकिन समझ लेना चाहिए कि हम अगर किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो उसका कम से कम कनेक्शन तो जुड़ जाए, नहीं तो किसको टेलीफोन कर रहे हैं, अपना फोन खराब कर रहे हैं। भगवान के मामले में हम तो ये सोचते हैं कि हम जो भी कहें वो ठीक है और जैसा भी करें वो ठीक है, यही मनुष्य की असहज भावना है कि परमात्मा के बारे में अपनी कल्पनाएं बना के रखना, ये मनुष्य की महामूर्खता, क्योंकि वो जैसा है वैसा है, उसको आपको देखना है जानना है तब उसके बारे में आप सोचिए। आपने अपने मन से सोच लिया कि ऐसा भगवान है, ये भगवान मेरे लॉटरी का रुपया मिला, भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा करी। अरे उसे कोई धंधा है या नहीं कि तुम्हें लॉटरी का टिकट देने के लिए भगवान बैठा। परमात्मा जैसा है वैसा है और जो आपको देना है वही देगा, आपके कहने से नहीं देने वाला। कल अगर कोई बच्चा मुझसे आकर कहे कि माँ मुझे जहर दो तो क्या मैं उसको जहर दूं? वो अगर कहे कि माँ मुझे किसी तरह से मेहनत करके ऐसी चीज ला दो जिससे मेरा मनोरंजन मात्र हो जाए थोड़ी देर के लिए और बाद में मेरी खोपड़ी फूट जाए, क्या ऐसी चीज मैं उसे दूंगी? हम अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो असलियत होती, जो एब्सोल्यूट होती, वही देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसी चीज होगी तो वो गलती कर रहे हैं, वो माँ बाप नहीं है, गलत माँ बाप। परमात्मा से भी
जो मांगना है वो परम ही मांग लिया, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उसे मांग रहे हैं, इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर में भय आशंकाएं और आपके मचे, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है? अगर राजा के पास जाइए तो बादशाह मांगे, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज, वो असहज। और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ बहुत कुछ पा लिया मटीरियली, जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहां पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है, किस कारण ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए, क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं, उसी चूल्हे में अपनों को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई में उतरने वाले हैं? क्या उसी रस्ते से इस योग भूमि के भी वासी गुजरने वाले हैं? उसी दशा में से निकल के कि जब हमारे बच्चे हिप्पी हो करके और गांजा पीते हुए दौड़ेंगे तब हम लोग जागने वाले हैं और तब हम समझने वाले हैं कि रास्ते को शॉर्ट सर्किट करो? गलत बात है। सुख समाधान आनंद हमारे अंदर। पर इसका मैं कोई आपको आदेश नहीं दे सकता, इसके लिए मैं कोई आपको शिक्षा नहीं दे सकता, इसके लिए मैं आपको कोई नियम नेम नहीं दे सकता, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। जो एक बीज अपने आप से उग आता है उसी तरह से आप ही के अंदर बसा हुआ आप ही का बीज अपने आप से उग आता है। मैं तो केवल थोड़ा सा प्यार का पानी उसमें डाल दू और जब आपका बीज जल जाएगा तो आप भी प्यार का पानी दूसरे में डाल सकते हैं। जब एक दीप जल जाएगा तो वो दूसरा दीप जला सकता है। सहज में ही जीवन चीज बनती है, मनुष्य के कृत्रिमता से कोई जिंदगी नहीं बन सकती, लाइफ से बन। लेकिन इस चीज को आप बुद्धि से जान भी लें और समझ भी लें तो भी ये चीज अंदर साक्षात नहीं है, तो भी सत्य दूर से ही दिखाई देता है, सत्य हमारे साथ में एकाकार नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य को तो हम खूब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सत्य हमारे साथ आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य जो है हमसे दूर ही रहता है, सत्य को हम देखते हैं उसका दर्शन मात्र होते रहता है और ऐसा लगता है कि कोई छल सा है, समझ भी नहीं आता, माना कि सत्य यही है लेकिन सत्य से हम एकाकार नहीं हो पाते, उसे तादात नहीं। क्या वजह है? जानबूझ करके ही कोई वजह है, वो कल बताऊंगी मैं वजह क्या है, वो तो कल बताने वाली हूं। लेकिन आज तो मुझे यही बताने दीजिए कि इसकी पार्श्व भूमि क्या है, कि यह चीज सहज में होती है, कुछ करने से होती नहीं, अपने आप से होती है और यही होने वाली, ये नया डायमेंशन खुलने ही वाला है और वो क्योंकि आपके होश में होने वाला है इसलिए किसी को इसके बारे में कहने का मुझे आपको गुरु गुरु नहीं माना चाहिए, मेहरबानी करें, मैं तो मां हूं। माँ तो बच्चे की चरण भी धोती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है, वो सिर्फ देती ही रहती है, वो कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं, वो तो सिर्फ प्रेम ही करती है, उसको चाहे मारो पीटो उसकी दुर्दशा करो लेकिन वो प्रेम में ही रहती है और जब आपको भी ताड़ना देती है वो भी प्रेम ही में करती है। सभी कुछ प्रेम ही में हो रहा है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ स्वीकार करें,
अंदर से कार्य करें जो कि शांत स्वरूप है। आपको कुछ कहना नहीं होगा मुझे, कुछ करना नहीं होगा मुझे, अपने आप जैसे कि सूर्य के किरण अपने आप संसार में फैल करके ये सृष्टि में अपना जाल फैला करके आपको जीवन दान देते हैं। उसी प्रकार ये प्रेम भी फैल कर आपके अंदर घुस जाए और आपके अंदर जाकर के वो कार्य कर, कुछ करने का नहीं, यही सहज है और यही मोक्ष है। आप लोगों को कितनी तादाद को देखकर बड़ी खुशी होती है कि इस देश में इतनी परेशानियां होते हुए भी मनुष्य शांति के खोज में, आनंद की खोज में सत्य ठिकाने पर पहुंचना चाहता है, गलत ठिकाने नहीं जाता। ये बड़ी भारी बात है, यह विपुल जन्म के संचित है जो आज आप यहां पर। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार नल ने कली को पकड़ लिया था। नल तो आप जानते हैं, राजा नल, हिंदुस्तान में तो इतना एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं। कली को पकड़ लिया था और कली से कहा कि आओ मैं तुम्हारी गर्दन ऐसी मरोड़ देता हूं कि फिर से तुम जीवित हो, तुमने मेरे साथ बड़ी बड़ी छलना। कली ने सोचा कि अब तो कोई बचाव है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम मुझे मार डालो, मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम मेरी महिमा को, तुम कलियुग की महिमा को, तब तुम मुझे नहीं मारो। क्या महिमा है अच्छा बताओ? पर यह महिमा है कि कलियुग में ही आज इन पहाड़ों में कंदरों में घूमने वाले ऋषियों खोजते हुए त्राही त्राही करते हुए भटक रहे, वो कलयुग में ही एक सर्वसाधारण सामान्य जन बन करके गृहस्थी में आएंगे संत बन करके और वो पार होने वाले। इसी युग में जहां की हाहाकार पूरी तरह से हो जाएगा, अधर्म पूरी तरह से तनप जाएगा, तब इन्हीं लोगों के हृदय से धर्म जागेगा और सारे अधर्म को नष्ट कर देगा। यही कलयुग की महिमा है। अगर तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन इन सबका सुख। और वही बात आज साक्षात मुझे दिख रही कि वो समय आ गया है, इसी कलयुग में ही ये कार्य होने वाला है। कैंसर जैसी बीमारी, मैं आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ, पहले भी कहा है, सिवाय सहयोग के किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकती। सारी ही बीमारियां इन्वाइब्रेशन से ठीक हो सकती है अधिकतर, लेकिन बीमारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अभी तो डॉक्टर पहले तैयार कर रहे हैं, पहले डॉक्टर तैयार हो जाए, 1000 ऐसे डॉक्टर हो जाए बस बहुत। और उसके लिए आपको डॉक्टर भी पास करना नहीं है, क्योंकि यहां तो ऐसे हाथ करना है और ऐसे हाथ करना है, अग्रिम हाथ करना है, बस वाइब्रेशन आ गए उनको घुमा देना है, काम खत्म। इशारे से नाचेगी सारी प्रकृति। जब आपके अंदर से चीज बहने लगेगी आपको आश्चर्य कितने सहज में ही आप ये कार्य को कर सकते हैं, बहुत ही सहज में। और आपको अपने ऊपर आश्चर्य होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं माता जी हम तो बड़े पापी हैं, हमें कैसे हो सकता है। मैंने कहा मेरे सामने ऐसे नहीं कहो, कोई बच्चा अपने माँ से जाकर कहे कि माँ बहुत पापी हूं मैं, तो माँ फिर रोएगी और खुश नहीं कर सकती। ऐसे मेरे आगे नहीं करो, ऐसा कौन सा तुम्हारा पाप है जो मैं नहीं खा सकती, ऐसी कौन सी तुम्हारी गंदी बात है जो मैं शोषण नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी दुर्घटना है जो मेरे पेट में नहीं आ सकती, मैं सभी चीज को समा सकती। मां की शक्ति ऐसी प्रचंड होती, उसको न ललकार, तुम कोई पापी हो, कौन पापी। किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर देर से होता है, किंतु जब आप इससे दौड़ पड़ते हैं, जब आपका वो रास्ता शुरू हो जाता है, तब मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग तो बगैर मेहनत के ही स्टडी हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक आए हैं अमेरिका से, इन्होंने बहुत कार्य कर दिया, एक ही बार में पहुंच गए तो पहुंच गए।
लेकिन बहुत से लोग दावा दौड़ करते हैं, खासकर बच्चे। बच्चे बड़े सहज होते हैं, वो एक बार पार हो जाते हैं फिर कभी नहीं उनको प्रॉब्लम होता, वो वैसे जमे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पार हो जाते हैं लेकिन फिर पकड़ते हैं, फिर पार हो जाते हैं, फिर पकड़ते हैं। अभी एक मुझे नाथपंथी बाबा जी मिले थे, आते साथ उन्होंने चरण छुए, पहले माता जी मेरा आज्ञा चक्र और विशुद्धि अभी पकड़ा हुआ है, साथ साथ उन्होंने कह दिया। कल बड़ी मेहनत से मेरी कुंडलिनी चढ़ाई मैंने, बड़ी मेहनत से मिली। एक साधु जी ने तो मुझसे क्या इन लोगों से सबसे बताया कि 21,000 वर्ष तपस्या के बाद मेरे तो वाइब्रेशन फूटे हैं, माता जी ने तो मार प्यार के तुम लोगों को दे दिया, पता नहीं क्या तुमने पूर्व जन्म में पुण्य किया था। मैंने तो लकड़ी काटी इतने साल, जंगलों में रहा, किसी दुनिया से मिला नहीं, तब कहीं जाकर 21,000 वर्ष मेहनत करने के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद मेरे वाइब्रेशन फूटे और तुम लोग मुफत में पाली, और रात दिन माँ तुम्हारे हाथ तक धोती रहे। क्योंकि आप असाधारण काम कर रहे थे, जंगल में जाने कितने का चीजें के घर में रहते, शादी ब्याह करते, बच्चों से ठीक होता, कोई माँ को अच्छा लगता है बच्चा सन्यासी, अपनी जान मारने क्या जरूरत, शांति से रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। अब मौज करो कहने ही साथ ही शुरू होगा दूसरा धंधा। आदमी का तो दिमाग मेरी समझ से क्या था, मैंने कल कह दिया कि मौज करो तो चले शराब खाने के लिए। सबसे तो कमाल ये लगता है कि जो लोग शराब को मना कर गए उन्हीं के शिष्य पक्के शराबी, जो चीज जो कह गया उसके बराबर अपोजिट सीधे हो रहा। अभी मैं तेहरान भी गई थी, वहां देखा, मैंने कहा मोहम्मद साहब तो एक चीज कहेंगे कि शराब मत पियो, तो वहां शराब पे उमर खय्याम ने तो कविताएं लिख रखी, उसके स्टैचू बनाते रखे उमर खय्याम। मैंने कहा इसको तो जूते मारो, इसने शराब के मंदिर बनाए और वो भी तुम्हारे जमीन पर जहां मोहम्मद साहब जैसी हस्ती हो गई। अरे कुछ अकल करो, कुछ समझ करो। हिंदुओं से एक बात बताई कि सबके अंदर एक ही परमात्मा रहता है, तुम्हारा बार बार जन्म होता है, तुम कभी महार भी हो सकते हो, कभी ब्राह्मण भी हो सकते हो, कभी मुसलमान भी हो सकते हो। वो इतने कट्टर हो गए। पुणे में गई थी, वहां से पहुंचे, साहब आप तो ब्राह्मण नहीं, आप धर्म पे कैसे बोले। मैंने कहा कौन ब्राह्मण सामने आप सामने आए तो ये हालत। मैंने कहा ये क्या अपना ब्राह्मण तो संभालो, ये क्या हो रहा है, थक 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 तो काप रहे, कहे आप सबकी इसलिए हम काप रहे। मैंने कहा ये पागल आदमी खड़ा, ये भी काप रहा, खुद भी काप रहे, तुम दोनों एक, ये बाकी के क्यों नहीं काप रहे। ब्राह्मण तो तब होता है, मुसलमान तब होता है, ईसाई तब होता है जब वो जाग जाता है, जब उसका पुनर्जन्म होता है। उससे पहले ये सब ब्रांड कौन लगा रहा है, किसको अधिकार दिया, किसने बताया, सब ब्रांड लगा लगा घूम रहे हम फलाने हम दिखाने। अरे ये तो भगवान के यहाँ नहीं चलती है नोटे, इधर उधर चला लो तो भगवान के पास में तो असली वाली नोट चलेगी, नकली वहां चलता ही नहीं है किसी भी तरह से, कुछ भी घपला कर। इसलिए जो झूठी नोटे लगाए कि हम फलाने हैं, हम दिखाने हैं, हम चमके हैं, ये वहां चलने वाला नहीं। और जो लोग ऐसी फालतू चीजें में विश्वास करते हैं और कट्टरता रखते हैं अपने अंदर में, वो सहयोग के योग्य नहीं। अपने ही धर्म का आप अपमान करें, मुसलमान अपने धर्म का अपमान करें। ईसाई लोगों को ईसा ने बता दिया था, एक चीज को कह रहे थे कि भूतों को मत मानना, ये भूत जो होते हैं खराब होते, स्पिरिट को बिल्कुल मत छूना परमात्मा के विरोध में, उनसे ज्यादा और किसी ने तक खुलेआम नहीं कहा। हाँ नानक जी ने कहा था, गुरु नानक ने भी कहा था, लेकिन जितने भूत वहां बसे हुए हैं उसका वर्णन ही मैं आपको नहीं कर सकता। प्लानचेट वो करते हैं, ईएसपी वो करते हैं, फलाना ठिकाना वो करते हैं, उसके अलावा जो कुछ कमी की तो इधर से गए हैं बहुत सारे, इधर वो सब उनको लपेट रहे हैं, समेट रहे हैं। किसी किसी ने तो 35-35 रोल्स रॉयस खरीद ली। इस धंधा भूतों का निकाला हुआ, इस तरह की चीज है, जिस चीज को कहा गया वही चीज उसके ही उल्टे जो धर्म सिखाता है वो धर्म नहीं। धर्म को पूरी तरह से पहचाना, और खासकर हिंदू धर्म जैसा ऊंचा धर्म जिसमें कि ऋषि मुनि ने न जाने कितना ही पता लगा दिया है, कितना इतनी बारीक बारीक चीजें पता लगाई, कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये मानो इन्होंने कैसे इतना जाना, इतनी बारीक बारीक बातें कैसे जानी। मैं जब देवी महात्मा को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती मार्कंडे स्वामी क्या माइक्रोस्कोप लेकर लगे थे, अरे साहब इतना बारीक उन्होंने कैसे जाना। जब मैं आदिशंकराचार्य को पढ़ती तो दंग रह जाती हूँ कि कैसे उन्होंने एक एक छोटी बात का कि हूं का मतलब क्या है, हाँ का मतलब क्या, रीम का मतलब क्या, कैसे पता लगाया।
एकदम शरणागति। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कैसे ये सब पता लगा। इतने बड़े धर्म की प्रस्थापना जो हुई है कोई एक आदमी पर नहीं, कट्टरता तो सवाल ही नहीं उठता हिंदू धर्म में, होना ही नहीं चाहिए। और जो इन लोगों ने पता लगाए हुए हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन उनके रटने से और पढ़ने से उस सत्य का आपको दर्शन नहीं हो सकता है जब तक आप सत्य का अंदर साक्षात न करें, आप स्वयं सत्य स्वरूप न हो। सत्य के खोज में बहुत लोग घूमते हैं लेकिन असल में असत्य पे ही पड़ जाते हैं, इस वजह से चीज असहज हो जाती है। सहजता तब होती है कि जब भी हमें सत्य ही पाएंगे, सत्य के बगैर हम किसी चीज को नहीं माने, यहां तक कि मुझे भी मानने की कोई जरूरत, माने मुझे कोई इनकार भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे मानने की भी जरूरत नहीं अंधे आंख से कि हाँ मां ठीक है ठीक है, नहीं। जब आपके अंदर साक्षात होगा आप स्वयं ही जान जाइएगा कि मैं आपको कोई बात झूठ नहीं बताती, मुझे आपसे कोई छल कपट नहीं करने का, मुझे आपसे कुछ लेने का नहीं, सिवाय इसके कि आप उस कल्याण को पालें, उस परम गति को पालें जिसके बारे में बहुत बार आशीर्वचन हुए। आपके बैंक में अकाउंट है उसको मैं कैश करना चाहती हूं, मैं तो एक सिर्फ कैशियर मात्र, लेकिन जिसका कुछ भी अकाउंट नहीं होगा उसको क्या किया जाए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अकाउंट परमात्मा के पास भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, माता जी वो तो ठीक हो गए, हमने ठीक है, सोचने की बात है, तो माँ का प्यार सभी के लिए ठीक है तो सबको ठीक करना चाहिए, लेकिन एक माँ के सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं, और परमात्मा तो पुरुष है, वो तो बाप है, वो तो आपको पता है भाई क्या करें, वो भी जानता है अगर आप दुष्ट हैं, कल अगर हिटलर कहे कि साहब मेरे लिए आप राज दे दीजिए, उसको कौन राज देगा, उसको तो कुछ सजा हुई ही नहीं, बहुत सजा होनी चाहिए। मनुष्य को ये भी समझ लेना चाहिए कि हम अगर सहज में हैं, हम अगर परमात्मा के चरणों में हैं, तब तो परमात्मा हमसे बहुत खुश है, और इस मामले में आप कुछ ढोंग नहीं कर सकते, वो सब जान आपका आगा पीछा सब जान, हर एक चीज जानते, वो तो वो क्या आपके अंदर में बसी हुई है जो छोटी सी कुंडलिनी है, जो आपके अंदर वो शक्ति बसी हुई है, वही टेप रिकॉर्डर जैसे है उसके अंदर सारी टेप, और वही टेप रिकॉर्डर जो है, जो टेप है वो टेप जानती है कि कब आप पार हो सकते, वो तभी उठेगी, वो तभी चलेगी जिस वक्त में आप ऐसे आदमी से साक्षात करेंगे जिसके पास धर्म की अथॉरिटी है, और बाकी जितने कुंडलिनी के खेल करते हैं बहुत तमाशा कर रहे हैं, ये कुंडलिनी की जागृति नहीं करते हैं, ये तो गणेश जी का उसमें अपमान करते हैं बहुत बड़ा, वो तो द्वार रक्षक है, वो इन सब गधों को जानते हैं, और अगर आप इन लोगों के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे तो मार तमाशे मचाएंगे, और वही फिर किताबें लिखते हैं कि उसमें आज जलता है उसमें होता है, आपको किसने कहा था कुंडलिनी को हाथ लगाने के, आप होते कौन, आपकी माँ अंदर बैठी हुई, उसके द्वार रक्षक श्री गणेश बैठे, वो चिर के बालक है, उनको मालूम है कि उनकी माँ लज्जा से ढकी, उसकी इज्जत उसकी आबरू संभालना उनका कर्तव्य है। आप जब गलत रास्तों से उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो लड़का है ना ये बड़ा गुस्से है, सुनता नहीं, उसको कितना भी समझाओ सुनेगा नहीं, ऐसा बिगड़ जाता है कि आपकी आदत हो जाती है। और फिर एक साहब अभी दिल्ली में मेरे पास आए, कह रहे मेरी कुंडलिनी जागृत हो ले गर्मी के मारे हालत खराब है, मैंने कहा कुंडलिनी तो इतनी ठंडी है कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्रीज है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो, वो तो एकदम ठंडी चीज है, ठंडे वाइब्रेशन आते हैं उससे, और जो गर्मी हुई ना वो आपकी अकल मारी गई थी। कल मैं साथ कुंडलिनी जब उठती है किस तरह से उठती है, कुंडलिनी चीज क्या है, उससे घबराने कोई चीज नहीं, वो आपकी माँ ही है, आपके अंदर कहाँ बैठी हुई है, वो मेडिकली से क्या कहते हैं, साइंटिफिकली क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, ये सब आपको समझाऊंगी, और इसके अलावा ये भी मैं समझाऊंगी कि इसके जागरण के वक्त में क्या क्या होता है, आप में कौन सी चेंज आ जाती है, आपके माइंड की कौन सी दशा हो जाती है, इस पर मैं आपसे विवेचन करूंगी। कल भी आप आइएगा और परसों भी आइएगा।
तीन दिन जरूर आना होगा। एक दिन में डॉक्टर सोचते हैं कि जैसे चलो वहां पानी पी के आ गए, तो चलो माता जी का भाषण सुन के आपके लिए सरल समय निकाल। आजकल हम लोग घड़ियां बांधते हैं समय बचाने के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए हम समय बचा रहे हैं अगर आप लोग सोचे तो, अपने उत्क्रांति के लिए, अपने असेंट के लिए, अपने जंप के लिए, और किसी चीज के लिए हम समय नहीं बचा रहे हैं। या हम समय बचा करके सिनेमा में जाएं, मैं सिनेमा के विरोध में नहीं, लेकिन समय अगर बच रहा है आपका कहीं भी तो वो पहले अपने उत्क्रांति में देना। तीन दिन का आप लोग जरूर समय दें और बड़ी तादाद में भी कल आए और इसको पाएं। पाने की चीज ये है, बहुत आसानी से हो सकता है। अभी इसके बाद भी थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको मिलेगा आपके अंदर बहुतों को हो भी जाएगा। एक क्षण में हो जाता है, एक क्षण में आदमी हो जाता है। लेकिन उसकी तैयारी अगर हो, समझ लीजिए आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, आपको कोई शारीरिक कथा है, तो कुंडलिनी रुकती है, मुझे कहती है कि आप इसको ठीक करो तब मैं उठूंगी, तो मैं ठीक भी कर देती हूँ और इसी सिलसिले में आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ठीक करना कोई मेरा कर्तव्य नहीं, वो तो कुंडली नहीं करती, वो करवाती है। लेकिन जो आदमी कभी ध्यान में भी ना आवे, जिसको परमात्मा के प्रति कोई रुचि भी नहीं हो, वो आए मेरे पास, माता जी मैं आपके पास, जैसे मराठी में कहते मुद्दा मुना लो, मैं जान बूझ के आया हूँ। तो मैंने पूछा काहे के लिए आप आए, मैंने सोचा कि भागते हुए मेरा बेटा कोई चला रहा है क्या, कहले मेरे मामा के दादा के फलाने के ठिकाने के उसका कैंसर हो गया है, तो माता जी उसको ठीक। मैंने कहा भाई ये मेरी समझ में नहीं आता कि मुफ्त कोरी की भी इधर जो बात शुरू है, तो ये भी कोई मुफ्त कोरी की हद हो गई। जो लोग सहयोगी हैं, जो पार हो गए, उनको वरदान है, उनको शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों चीजों का वरदान है। इतना ही नहीं लेकिन संसारिक भी वरदान है। जितने भी लोग पार होते हैं, जो भी लोग पाते हैं, बहुत से लोग पिछली मरतबा भी पार हुए, आपने से भी कुछ बैठे हैं, वो कभी भी सामूहिक तरीके से आते हैं। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि ये जो उत्क्रांति हो रही है ये सामूहिक है, ये विराट की संपूर्ण की है। एक अकेला बैठ करके करने वाली तो हिमालय पे करनी होगी, लेकिन कलयुग में एक संपूर्ण विराट सामूहिक, पूरा समाज की समाज इवॉल्व होना पड़ेगा, पूरा विराट का शरीर जागरूक होना। एक इंडिविजुअल की ये बात नहीं है, ये जब आप ध्यान में आएंगे आप समझ लेंगे कि क्यों माता जैसा कहें। क्योंकि किसी का एक चक्र ज्यादा बढ़ता है तो एक किसी का कम बढ़ता है, किसी के कुछ होता है किसी का कुछ होता है, वो आपस में चेकिंग करनी पड़ेगी, आपस में लेन देन करना पड़ेगा, आपस में बांटना पड़ेगा, अपनी अपनी शक्तियां लेनी देनी पड़ेंगी, तभी काम पड़ेगा। उसके बगैर ये चीज तैयार नहीं होने वाली। ऐसे तो बहुतों को दिया है, बहुत से मिनिस्टर्स को दिया है, बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारियों को दिया है, और राजाओं महाराजाओं और पता नहीं कौन कौन विद्वानों को, रैंगलरों को, और किसके नाम में बहुतों को दिया। लेकिन सब अपने घर में बैठे माताजी ने हमें बड़ा आनंद दिया। फिर जब कभी मिलते माताजी मेरे वाइब्रेशंस तो चले गए, क्या बात, अभी तुम्हारे तो तीन चक्र पकड़े गए हैं, वाइब्रेशंस तो चले जाएंगे, तुमको आना चाहिए ध्यान में। माताजी मेरे पास टाइम है ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इतने आप बड़े हो गए कि आपको अपने लिए भी टाइम नहीं, तो बेकार है आपकी जिंदगी। ऐसे लोग जैसे वो चिंपैंजी वगैरह हो गए थे ना, मिसिंग लिंक, वैसे हो जाएंगे, जो अपने को अतिशय बड़ा समझते हैं, पैसे की हवस में, ओहदे के हवस में, पोजीशन के हवस में, सत्ता के प्रतिष्ठा के हवस में जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। खास सहयोग, सहयोग में उन्हीं का भला होगा जो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं, अपने लिए भी चल सकते हैं, उन्हीं का भला। यह आपके खुद चॉइस की बात है, यह आप अपने फ्रीडम की बात है, आपके अपने सोचने की बात है। इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, अगर आपका दिल नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता में आपने इसे स्वीकार ही नहीं किया हो, तो आपको राजा कैसे बनाया जाए, कोई जबरदस्ती ठेल ठाल से थोड़ी बिठाया जाए। आपकी स्वयं तैयारी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता से होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अंदर से आंतरिक महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कौन हूं कि कहने वाले आपके लिए आज, अभी तो कुछ नहीं,
सब कुछ आपकी हो जाऊंगी तब बात दूसरी। जब आपका पुनर्जन्म हो जाएगा तब आपका हमारा रिश्ता हो जाएगा टूट, लेकिन अभी तो नहीं। तब तक आप पूर्णतः अपने को स्वतंत्र हैं, आप इसका चॉइस करें, सोचें और इसको पालें। इसी निर्विचार अवस्था में अब हम कुछ क्षण निःशब्द ध्यान करते हैं। जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों पर प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें श्री गणेश जैसा अबोध बनाइए। एक माँ के प्रति जो बच्चे का समर्पण होना चाहिए, ऐसा समर्पण हमें दीजिए। श्री माता जी, आपके चरणों पर कोटि कोटि नमन। अब हम सामूहिक बंधन लेते हैं।
आज का ध्यान सत्र यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री माता जी।